झारखंड राष्ट्रीय साइंस फिल्म फेस्टिवल का आज आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में जिले के डीसी बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। ओपनिंग फिल्म स्क्रीनिंग में सबसे पहले मूविंग अपस्ट्रीम गंगा डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। जिले के डीसी बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने बताया कि यह एक बेहतरीन तरीका है जिससे छात्र छात्राओं को एक बेहतर अनुभव होगा। खासकर जो स्टूडेंट हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसमें उसके समझने में सहायता होगी। इस फिल्म फेस्टिवल में देश के जाने माने साइंटिस्ट शामिल हो रहे हैं। साइंस की थीम को लेकर के एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में पहली बार और यहाँ लोहरदगा में हो रहा है। मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है। इन फिल्मों के ज़रिए खास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको डेवलप करने का उनको उसको डेवलप करने में उनकी सहायता होगी। और आपके माध्यम से मैं जिला के अन्य स्कूल है वहाँ के भी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि ये ज़रूर ये फिल्में देखें आकर के, और फिल्मों का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, उनको ज़रूर उसमें अपने लाइफ में और करियर में आगे मदद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।